दोस्तों, अलीराजपुर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद अलीराजपुर जिले के नानपुर के पुलिस थाना ग्राउंड पर, और यहां पर देखिए आज हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पे आकर ज्ञापन दिया था। यह आप ज्ञापन क्यों दिया था और क्या इसका कारण था? हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान, जो हमको इस बारे में बताएंगे कि जो ज्ञापन दिया था इस बारे में क्या था, इसका यह ज्ञापन दिया है क्या कारण था? देखिए, अलीराजपुर के एक युवा के साथ इंदौर में तेजाजी नगर थाने क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा हमारे भाई अध्यक्ष समाज के छात्र को बहुत बुरी तरीके से एक दिन पहले बर्बरतापूर्वक बहुत पिटाई करी, और हम इस घटना को लेकर पूरे अलीराजपुर ज़िले में आक्रोश है आदिवासी समाज के। हम आज नानपुर थाने के अंदर आसपास के सरपंचों के साथ मिलकर आदिवासी समाज के जो नवनियुक्त सरपंच चुनकर आए हैं, उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है और ज्ञापन के माध्यम से गृह मंत्री से अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और यह आक्रोश पूरे जिले भर में आक्रोश फैला हुआ है कि हमारे आदिवासी समाज के युवक साथ बिना किसी वजह से मारपीट क्यों की गई। ये खुशकिस्मती है कि वो बचकर निकल आया, क्योंकि जिस तरीके से उसे मारपीट की गई है मुस्लिम समाज द्वारा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ऐसे कई घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज यहाँ ज्ञापन थाना प्रभारी महोदय के माध्यम से गृह मंत्री जी को सौंपा। इसमें एक और मामला सामने था कि जिस तरीके से उसको पिटाई की गई और उसको कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा, मामूली मामला दर्ज किया गया, तो ये मामला भी इसमें आ रहा, इसको लेके क्या था? कल भी सभी संगठनों द्वारा इंदौर में ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि जो कठोर धाराएं लगाने की मांग की गई थी, उस पर रासुकाओ और इसे कठोरतम कार्रवाई और अजमानती कार्रवाई धारा लगाकर जेल में की मांग की गई है। और हम ये भी आदिवासी समाज की तरफ से मांग करते हैं कि ऐसे जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, आपने सुना है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान का, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से इंदौर में जो घटना हुई उस घटना को लेकर आरोपियों पे रासुका की कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने आदिवासी युवक को पीटा था उन लोगों को सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे अलीराजपुर लाइव के लिए नानपुर से जीते।